चलिए आज हम बनाएंगे डोरा केक। डोरा केक बनाने के लिए मैंने अपने घर के इस कप से मेजरमेंट किया है। तो मैंने इस कप के नाप से एक कप मैदा ली है जो मैं इस बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें इसी कप के नाप से मैंने इसमें चीनी ली है। चीनी ये घर पे पीस ली है। ये इसका 1/3 भाग है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब मैंने 1/3 पार्ट इसका पाउडर मिल्क लिया हुआ है। आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो डाल सकते हैं, और आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें ये मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उसको डाल दीजिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब मैं इसमें वनीला एसेंस लूंगी और जो 2 स्पून डालूंगी। तो 2 टीस्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। अब मैं इसमें शहद डालूंगी। हमने इसमें इसीलिए पिसी हुई चीनी कम डाली है क्योंकि हम इसमें शहद डालना चाहते थे। तो इसमें 2 टीस्पून शहद मिक्स करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी आएगा। अब हम इसमें, मेरा फ्रिज में रखा हुआ बटर है, आप रूम टेम्परेचर पे बटर लें जो मिक्स करने में आपको आराम रहेगा। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें बटर डाल दिया है। अब हम इसमें, पहले मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूंगी अच्छे से, बटर इसमें मेल्ट होता जाएगा। और इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके मिल्क, ये 1/2 कप मिल्क है, लेकिन हमें देखना है कि इसमें कितना पड़ेगा, वो हम अपने अंदाजे से जब थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे धीरे धीरे ही मिक्स करना है, इसमें लंग्स नहीं पड़े। ये जितना अच्छा और स्मूथ मिक्स होगा उतना ही आपका डोरा केक फ्लफी बनेगा। अगर आपके घर में एग लोग पसंद करते हैं तो आप इसमें एग डाल सकते हैं। आज मैं ये विदाउट एग बना रही हूँ। एग से और ज़्यादा फ्लफी बनता है डोरा केक। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और डाल देंगे, थोड़ा सा मिल्क और पड़ेगा। ये हल्का सा पतला होना चाहिए जिससे कि हम जब पैन केक बनाएं तो ये अच्छे से फैल जाए, स्प्रेड हो जाए आपके पैन में। अब हम इसे 2-3 मिनट रख देंगे मिक्स करके। देखिए ये इतना पतला होना चाहिए जब हम इसको डालेंगे पैन में तो ये आराम से फैलेगा। चलिए आइए अब हम 2-3 मिनट इसको रख देते हैं और फिर हम बनाएंगे डोरा केक। तो देखिए मैंने इसमें पहले, आप चाहें तो बटर लगा लें इसमें हल्का सा, और अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते हैं, मैंने इसमें ये घर के घी से हल्का सा 1-2 बूंद ही बस डाला है। इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बनाएंगे डोरा केक। आ
आप अपने घर की एक ही स्पून से इस सारे डोरा केक बनाएंगे जितने आपको बनाने हैं। तो आइए हम एक बना के देख लेते हैं कि कैसा बन रहा है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मैंने इसको पहले हल्का गर्म किया हुआ था, बहुत तेज पैन को गर्म नहीं करना है क्योंकि इसमें चीनी और मिल्क पाउडर वगैरह डला हुआ है तो बहुत जल्दी इसमें कलर आएगा, इसलिए सिर्फ 2 मिनट तक। जैसे इसमें बबल्स आने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डोरा केक नीचे से पकने लगा है। तभी आपको कुछ 1-2 मिनट, 2-3 मिनट भी हो सकते हैं, तो आपको बस देखना है कि कितना टाइम लगता है। देख लेते हैं कि ये हमारा डोरा केक नीचे से इसमें कलर आ गया है। संभाल के हम इसे देख लेंगे। अभी हम इसको 1-10 सेकंड के लिए और रखेंगे तो इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। आइए तो हम देख लेते हैं कि हमारा पैनकेक कैसा बना है। हम इसे बड़े ही संभाल के उठाएंगे। देखिए फ्लफी फ्लफी हमारा डोरा केक तैयार है, पैनकेक। अब हम इसमें चॉकलेट और चॉकलेट पाउडर को स्प्रेड करेंगे, वो हमने मेल्ट करके रखी हुई है। अब हम इसे 1 मिनट तक के लिए ढक के रखेंगे। देखिए ये मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके स्प्रेड करने के लिए चॉकलेट स्प्रेड बनाया हुआ है। इसको हम डोरा केक में स्प्रेड कर देंगे। देखिए हमारे डोरा केक एकदम सही बने हुए हैं, अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। अब हम इसमें चॉकलेट मेल्ट जो हमने की है डेरी मिल्क की, उसको हम स्प्रेड कर देंगे। हम इस चॉकलेट को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालेंगे, जो थोड़ी देर में और मेल्ट होने से ये बाहर निकलने लगे। देखिए अब ये हमारा डोरा केक तैयार है।